हेलो फ्रेंड्स, मैं सिया दिल्ली से। मेरे चैनल गार्डनिंग विद सिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये देखिए सुबह का टाइम है, 7:30 बज चुके हैं और मेरा जो मकान है वो सनफेस है और सुबह सुबह सूर्य देवता के दर्शन हम लोग कर रहे हैं। सूर्य देवता प्रकट हो चुके हैं और ये देखिए ये मेरी बालकनी है। ये अब आप देखेंगे, ये मेरी बालकनी है और ये मेरे रूम से एंट्री है। और रूम से एंट्री के बाद ये देखिए ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड। और देखिए फ्रेंड्स, मैंने कल अपनी बालकनी का थोड़ा सा मेकओवर किया है, आइए वो देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ पर एक कांच की सेल्फ लगवाई हुई है और इसके ऊपर ये देखिए कॉर्नर में मनी प्लांट, और ये बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है मनी प्लांट, ये देखिए। और काफ़ी हेल्दी इसकी ब्रांचेस हैं, काफ़ी न्यू इसमें शूट्स निकल रही है और काफ़ी अच्छा मेरा ये मनी प्लांट चल रहा है। और यहाँ पर ये देखिए ये स्नेक प्लांट, स्नेक प्लांट के साथ इसमें मैंने रेनेली के बल्ब भी लगाए थे और ये तुलसा जी इसमें अपने आप हो गई हैं और ये मकोई भी इसमें अपने आप हो गई है, तो मैंने इसे निकाला नहीं है। यहाँ पर भी ये देखिए ट्यूबरोज बल्ब और ये पोर्टुला का। और फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पर ये देखिए ये मेरी तुलसा जी रखी हुई है। ये एक स्टैंड है, तो स्टैंड में मैंने इसको बीच में जो इसमें स्पेस था तो मैंने वहां से इसे रख दिया था। और अदरवाइज ये जो मेरे ऊपर के प्लांट थे उनको भी कवर कर रही थी, तो मैंने स्टैंड में इसका प्लांटर नीचे रख दिया और तुलसा जी इसमें ऊपर आ गई है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मनी प्लांट। और ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये जिसमें सीलिंग फैन आता है ये उससे मैंने बनाया है। सीलिंग फैन का जो मेन राउंड होता है वो इसके ऊपर रखा जाता है, तो मैंने उसको निकालकर ये देखिए ये जूट की रस्सियों से इसको बनाया है। और उसके बाद इसमें मैंने नीचे जो स्पेस था, जो नीचे होल था, उसमें एक मटके का मिट्टी का जो ढक्कन आता है मैंने वो उसके ऊपर रख के और इसे प्लांटर बनाया है। और इसमें ये देखिए मैंने मनी प्लांट लगाया हुआ है और पेबल्स मैंने इसमें डाले हैं। उसके बाद फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पर टर्टल वाइन, और इसमें मैंने ये आर्टिफिशियल फ्लावर डाल दिए थे, तो दिवाली पे सफाइयाँ की थी तो ये फूल वेस्ट थे तो यहाँ रख दिए। ये इधर मेरी रियो की बास्केट। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने कल प्लांटर बनाए हैं कुछ। ये देखिए ये फिनाइल का डब्बा खाली हो गया था। और ये देखिए क्लेंचू इसमें, और ये मेरा जेड प्लांट। और पीछे देखिए फ्रेंड्स, ये जो फिनाइल का डब्बा था उसका एक साइड ये था, तो जो ये दोनों चीज है यहाँ पर ये स्टैंड नहीं हो पा रहा था, तो मैंने इसको एक मटकी जो ये करवा चौथ वगैरह पर आती हैं उसमें भी मैंने ये फिक्स कर दिया है। और यहाँ पर भी ये देखिए इसमें भी मैंने जेड प्लांट लगा दिया है। और ये देखिए ये मेरी बालकनी की विंडो है और विंडो के ऊपर मैंने इसे ऐसे सेट कर दिया है। ये जाली वाली मेरी विंडो है और ये जो ये प्लांटर देख रहे हैं आप, ये अंदर रखे हुए हैं अंदर की साइड किचन में, ताकि इनमें छनकर धूप जाए यहाँ से। और उसके बाद ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे पास मेरी डाइनिंग टेबल की चेयर जो टूट गई हैं, बेकार हो गई हैं, तो उनके ऊपर मैंने ये लकड़ी के फट्टे लगाकर यहाँ पर मैंने इनको सेट किया है अपनी बालकनी में, ये देखिए। और ये देखिए इसमें ये मेरी पान की बेल, और यहाँ पर मॉर्निंग की अच्छी धूप आती है। ये देखिए बैम्बू स्टिक, ये मैंने कटिंग के थ्रू लगाई है। और मेरे पास जो दूसरा प्लांटर है उसमें चार प्लांट हो गए थे, तो दो प्लांट मैंने इसमें शिफ्ट कर दिए हैं। और ये यहाँ पर जेड प्लांट, ये देखिए फ्रेंड्स जूही, और ये अगेन स्नेक प्लांट, तो ये देखिए। और यहाँ पर ये मैंने टर्टल वाइन की बास्केट हैंग की है। और ये देखिए मैंने इस टाइप से ये दो जो पोर्शन है उनके बीच में मैंने ये स्टिक लगाकर यहाँ पर मैंने इसमें बास्केट को बांध दिया है और यहाँ पर मैंने इसे हैंग किया है। अब देखिए यहाँ पर इस टाइप से मैंने इसे किया है। अभी मैंने प्रॉपर इसलिए नहीं किया बिकॉज मेरे घर में भी रेनोवेशन होने वाली है, तो मैं अभी फिर से करूंगी, तो अभी मैंने टेम्परेरी किया है जो भी किया है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा करी पत्ता,
और करी पत्ता और इसमें तुलसा जी भी अपने आप उग गई हैं, तो मैं इन्हें यहाँ से अलग कर दूंगी, बिकॉज ये टाइम बहुत अच्छा है इन कामों के लिए। और अभी मुझे ये करी पत्ते की भी प्रूनिंग करनी है, और आजकल में मैं इसकी प्रूनिंग करके इसमें फर्टिलाइजर डाल के और इसे भी यहाँ पर अच्छे से सेट कर दूंगी। और अब आइए फ्रेंड्स लेफ्ट साइड में देख लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये स्नेक प्लांट, मनी प्लांट, इसमें भी मैंने पेबल्स डाले हैं, और ये भी मैंने छोटी छोटी मटकी में मनी प्लांट लगाया हुआ है, ये देखिए। और ये मैंने पहले लगाया था और ये काफी अच्छे से चल रहे हैं, बहुत छोटे छोटे प्लांटर हैं, लेकिन इनमें मेरे मनी प्लांट्स अच्छे से चल रहे हैं। ये देखिए सिंगोनियम, और ये देखिए यहाँ पर मैंने एक ही जो मेरे पास ये आइस बॉक्स था, और उसमें मैंने इसको दोनों कलर को एक ही प्लांट में लगा दिया है, एक ही प्लांटर में मैंने दोनों कलर्स को लगा दिया है। यहाँ पर ये मनी प्लांट और ये मनी प्लांट की बास्केट, ये देखिए ये रेलिंग जो मेरी किचन से उतरी थी, तो किचन से उतरने के बाद मैंने यहाँ पर इसे लगाया है। और ये देखिए मेरे पास ये एक साइकिल है, और मैं ये हरिद्वार से लेकर आई थी, और इसमें भी मैंने मिट्टी भर के और बहुत लाइट वेट सॉइल बनाकर मैंने इसमें 10% सिर्फ मिट्टी डाली है, बाकी इसमें सारा वर्मी कंपोस्ट है। तो उसके बाद ये देखिए मैंने इसमें जेड प्लांट लगाया है, बहुत सुंदर मेरा ये प्लांटर बना है। और उसके बाद यहाँ पर ये देखेंगे फ्रेंड्स, ये जो आपको पॉलीथीन दिख रही है ये वाली, इनके नीचे ग्लास में ये देखिए मैंने सीड्स लगाए हैं तोरी की, तो देखते हैं ये कब तक जर्मिनेट होंगे। और ये सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये देखिए ये भी मैंने कटिंग के थ्रू लगाया है, 3-4 दिन पहले ही लगाया है, और देखिए कितने अच्छे से ये सेट हो गया है। और फ्रेंड्स ये देखिए, ये यहाँ पर मेरा सारा मनी प्लांट, और मनी प्लांट को मुझे अभी ये देखिए इसकी काफी लंबी लंबी ब्रांचेस हो गई हैं, और ये यहाँ पर मैंने अभी ऐसे ही छोड़ दी हैं, और अभी मुझे किसी की हेल्प चाहिए, तो किसी की हेल्प से, दीपा आएगी, दीपा की हेल्प से मैं इन्हें ऊपर से टेरेस से हैंग करूंगी। ये देखिए यहाँ पर ये टेरेस की वॉल है, और यहाँ पर से मैं इसको मनी प्लांट को पतली और लंबी डोरियों से मैं इन्हें हैंग करने वाली हूँ, यहाँ पर बांध दूंगी मैं। और ये देखिए ये एक और टर्टल वाइन और पोल्टूला का मिक्स, ये मैंने डेंथस को कटिंग के थ्रू लगाया है, और ये देखिए ये भी बैम्बू स्टिक, ये बैम्बू मैंने यहाँ पर लगाया है। और ये भी मेरा एक और जूही का प्लांट है, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ पर भी अभी ये मनी प्लांट यहाँ से ऊपर हैंग हो जाएगा, तो ये यहाँ से ठीक हो जाएगा। और ये देखिए ये एक मटकी है मेरे पास, इसमें मैंने जेड प्लांट लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं कितना घना ये हो चुका है, बहुत अच्छा है ये। और इसे मैं अभी कलर करूंगी तो ये और सुंदर हो जाएगा, और कलर करने के बाद भी मैं आपको ये दिखाऊंगी। और ये फिर इसमें स्नेक प्लांट, और यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स ये पीस लीली यहाँ पर रखा हुआ है मैंने, बिकॉज इसे ज्यादा धूप की नीड नहीं होती, तो मैंने इसे यहाँ पर और सभी प्लांट्स के बीच में रखा हुआ है। और अभी थोड़ा काम बाकी है, और थोड़ा मैंने कर लिया है, तो कल मैंने अपनी बालकनी का ही मेकओवर किया था, कल मैंने टेरेस पर कोई भी काम नहीं किया, तो सोचा कि आज बालकनी को मैं करती हूँ। और अभी होली से पहले थोड़ा सा प्लानिंग है रेनोवेशन करवाने की, तो 1-2 दिन में काम स्टार्ट हो जाएगा, प्रॉपर मैंने नहीं किया। और जैसे मैं इसे फिर से मेकओवर करूँगी अच्छे से, वो फिर मैं आप लोगों के साथ वो भी मैं शेयर करूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स सारे प्लांट्स बहुत अच्छे से चल रहे हैं, हेल्दी प्लांट्स चल रहे हैं, और वही है कि 1 बजे तक यहाँ पर, 1 से 1.5 बजे तक यहाँ पर धूप बहुत अच्छे से आती है, सर्दी हो या गर्मी, लेकिन जब भी सूर्य देवता प्रकट होते हैं तो यहाँ पर धूप हमेशा ही अच्छी आती है। और मेरे जो भी मैं कुछ टेरेस से लेकर आई थी ये प्लांट, जिन्हें कम धूप की नीड है, और अभी यहाँ पर कुछ स्टैंड वगैरह लगवा कर अभी मेरी प्लानिंग है कि मैं अभी कुछ और प्लांट्स अपने नीचे लेकर आऊंगी। और जो ये मेरी बालकनी का फ्रंट साइड है, यहाँ से
और यहाँ तक दोनों कॉर्नर से, और एक रोड में लगवाने वाली हूँ, उस पर मैं बास्केट हैंग करूंगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये टेरेस पर, और बाकी ये सब तो नीचे है ही। फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी आप बालकनी, आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स, बाय बाय।